कान्हा कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की पूरियां, जो खाने में तो स्वादिष्ट हैं ही, साथ में हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो चलिए देखते हैं पालक की पूरियां कैसे बनती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारी रेसिपी को पूरा ज़रूर देखना, और हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियो हैं, आप उनको भी प्लीज़ ज़रूर देखें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बनाते हैं पालक की पूरियां। पालक की पूड़िया बनाने के लिए हमने आधा किलो पालक लिया है, जिसको अच्छे से साफ करके 4-5 बार हमने अच्छे से धो लिया है। अब हमने लिया है एक पतीले में गर्म पानी, जिसको हमने पहले ही उबाल लिया है। पालक को हम उबालेंगे नहीं, इस गर्म पानी में डालेंगे, ताकि पालक का कलर भी चेंज ना हो और पालक के जो पोषक तत्व हैं वो भी बाहर ना निकले। 2-3 मिनट के लिए हम इस पानी में पालक को गला कर रख देंगे। जब तक हमारा हल्का सा पालक सॉफ्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको ढक के 3 मिनट के लिए रख देते हैं। पालक हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं एक मिक्सी के जार में। पालक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 6 हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, हम यहाँ पूरियों को थोड़ा सा तीखा बना रहे हैं, इसलिए 6 हरी मिर्च डाल रहे हैं। और 1 चम्मच डालेंगे हम जीरा, और इनको हम अब मिक्सी में पीस लेते हैं। ये देखिए, पालक के पेस्ट को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब चलते हैं आटा लगाने के लिए। यहाँ हमने 2 कटोरी आटा लिया है। आटा आप अपने घर के सदस्यों के हिसाब से लेना, और उसमें डाल रहे हैं हम 4 चम्मच सूजी, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को आप हाथ के ऊपर क्रश करके डालना, इससे पूरियों में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसको तवे पे सेक के अच्छे से फिर डालना है। 1 चम्मच डाल रहे हैं हम सांभर मसाला, हाथ की सहायता से इनको अच्छे से मिला देते हैं। और 2 चम्मच हम यहाँ पे डाल रहे हैं घी, जिसको मैंने गरम करके अच्छे से मेल्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाले हैं, और इसके साथ ही हम डालेंगे अपना पिसा हुआ पालक का पेस्ट, क्योंकि हमें आटा इसी से लगाना है। पानी की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में ऊपर से हम पानी डालेंगे, नहीं तो इसी से सारा आटा लगाएंगे। ये देखिए, आटा हमने लगा लिया है। आटा हमें ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, क्योंकि हमें सॉफ्टी आटा लगाना है। इसमें हमने सूजी को डाला है, और सूजी जब फूलेगी तो आटा हमारा अपने आप टाइट हो जाएगा। अब इसको रख देते हैं हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के इसको एक बार अच्छे से और लगा लेते हैं। सारे आटे की एक साथ ही हमने लोइया बना के काट लिया है, और तेल को हमने गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है, हम पूड़ियाँ बेल लेते हैं। पूड़ी आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी कैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, पूड़ियाँ हमने बेल के तैयार कर लिए हैं, और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पूड़ियों को तल लेते हैं। पूड़ियों को आप तेल में आराम से डालना, कहीं आपको गर्म तेल के छींटे न लग जाए। देखिए, पूड़ी हमारी अच्छे से फूल गई है। पूड़ी हमारी सिक चुकी हैं, इनको हम एक बटर पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल इस पे आए वो निकल जाए। ऐसे ही हम सारी पूड़ियाँ बना लेते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत पसंद आएंगी। और अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हो तो आप इन पूड़ियों को ज़रूर बना के लेके जाना, सफ़र में बहुत ही टेस्टी लगने वाली हैं। ऐसे ही हम सारी पूड़ियों को बना लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म पालक की पूड़ियाँ बन के तैयार हैं। आप इनको आलू की सूखी सब्जी के साथ, अचार के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना राधे राधे।